पब्लिक का काम करना है। कोई अगर विकलांग को अगर हमने सर्टिफिकेट दिला दिया, हम इसलिए नहीं दिलाए कोशिश करेंगे ताकि हमारा वोट जो है उस वहाँ पर जाए। आपको करना है इसलिए राशन दिलाना, क्योंकि वो अच्छा काम किया था भाजपा वाले। ये अर्जुन जी के खिलाफ नहीं बोल रहा, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं है, मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ। बीजेपी जो है, क्योंकि उनकी कोई और, अर्जुन जी तो मंत्री, कृषि मंत्री नहीं है, तोमर जी है। हमने कहा कि एपीएमसी अगर हम ले आए को खत्म करना जरूरी है, लेकिन हम कानून ले आएंगे एमएसपी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो मैकेनिज्म देखिए, एक चीज आपने एक शब्द निकाला और उसी पर आप डिंडोरा पीट करें। देखिए कभी मुझे कोई, टू बी ऑनेस्ट, कोई ग्रीवेंसेस पार्टी से नहीं, लीडरशिप से नहीं था। आपने मेरा इस्तीफा पत्र भी देखा होगा उसको। मैं अभी भी कहता हूँ कि इस देश के सबसे बहादुर, सबसे ईमानदार और सबसे साफ और हीरा वाला दिल का अगर लीडर है तो राहुल गांधी। और आप लोग सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग राहुल जी का बात सुन लीजिए, इसलिए कि पिछले 7 साल पहले उन्होंने कहा कि पंजाब में ड्रग का प्रॉब्लम है। सब लोग हंसे, सब लोग ने मजाक बनाया, व्हाट्सएप भाजपा ने मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन एक खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक था, सब लोग हंसे, वो सही साबित हो गया, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि किसान, आप देख लीजिए जो भी चीज राहुल गांधी जी ने बताया था पहले ही, दिक्कत क्या है कोविड, दिक्कत क्या है कि वो पहले बोलते हैं हमको बाद में समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए कोविड के बारे में उन्होंने कहा, डिमोनेटाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा, किसान बिल के बारे में उन्होंने कहा, ड्रग्स के बारे में उन्होंने कहा, और जीएसटी के बारे में कहा, और प्रेस फ्रीडम के बारे में कहा। आपको कोई सच्चाई नहीं जो सरकार में स्टेट। कोई कहता है कि 1100 किलोमीटर जो है जमीन चली गई, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला, कोई पूछ नहीं रहा। चीन कहता है कि हम लद्दाख भी ले लेंगे, ये स्थिति है इस देश का। कभी नहीं हुआ कि चीन ने जमीन ले लिया देश के जो है सरहद पर जो है वॉर किया और कोई नहीं बोल रहा है, और सुशांत सिंह चल रहा है टीवी चैनल, और चीन के बारे में कोई चर्चा नहीं। जमीन चले गया, मातृभूमि को कब्जा कर लिया, लेकिन कोई चर्चा नहीं। सुशांत सिंह राजपूत, दीपिका पटकोन, राहुल प्रीत सिंह, ये विश्व गुरु हम लोग को बना दिया भाजपा सरकार ने। कोविड के पेशेंट की संख्या में नंबर वन देश है, धीरे धीरे अमेरिका को पार कर लेंगे। मौत में जो हमने पार कर लिया, डेली स्कोर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत जो है 18 दिन की लड़ाई थी, 21 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तो छोड़ दीजिए। अब कोविड के बारे में चर्चा ही नहीं होती। अर्थव्यवस्था सरकारी आंकड़े के मुताबिक 24% गिर चुका है, ये सिर्फ संगठित क्षेत्र के, संगठित, असंगठित के लिए अगर आप जोड़ दोगे तो भारत का जीडीपी जो अर्थशास्त्री लोग बोल रहे हैं कि वो 40-50% कम हो गया। इस देश में आपको भूखमरी जो है, पैसे के अभाव में लोग रोड पर आते, मजदूर कानून को इतना कमजोर कर दिया गया। एक तो बेरोजगारी, अब मजदूर कानून का सुन लीजिए, 300 लोग से नीचे का कंपनी में कोई कानून लागू नहीं, ना टॉयलेट की आवश्यकता, पढ़ लीजिए उसको, टॉयलेट की आवश्यकता नहीं, महिला के लिए टॉयलेट भी नहीं होगा। सीमा इन्होंने पार कर ली कि जैसे ये कानून पास हुआ, गुजरात ने अलग कानून पास कर दिया कि मजदूर काम करेगा 8 घंटा, फिर 4 घंटा ओवर टाइम करेगा फ्री में,